इंडस्ट्रीज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी पे आप सबका स्वागत। आज आपकी एक स्पेशल मुलाकात, मैं तो कहूंगा एंजल इज विद मी। जी हाँ, हमारी परी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक मिताली कुलकर्णी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। यू वेरी मच। जी, सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं, और सारे के सारे जब बात करते हैं साड़ीज के ऊपर, तो पता नहीं साड़ीज के ऊपर तो मैं ये कहूंगा कि प्लीज अपने थोड़ा सा करेक्टर के बारे में जरूर बताएं, बिकॉज जब इसके बारे में बात आती है तो सारे लेडीज बहुत सारे एक्साइटेड हो जाते हैं। तो थोड़ा अपने करेक्टर के बारे में प्लीज बताएं। जी किसी भी लेडी के साथ आप किसी भी साड़ी के बारे में बात करेंगे तो बहुत एक्साइट हो जाते हैं। ये आपने बहुत सही कहा। सबसे ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं स्पेशली इन महाराष्ट्र एंड नाउ ग्लोबली बिकॉज ऑफ Z5 ग्लोबल। पैठणी ये नाम अब पूरा ग्लोबल हो जाएगा, हो गया है एंड आई एम थैंकफुल टू Z5 ग्लोबल फॉर दैट। पैठणी इज अ ट्रेडिशन इन महाराष्ट्र जो बहुत सालों से चली आई है। यू नो इट इज अ हैंड वोवन साड़ी एंड ये एक धरोहर है। एक औरत अपनी पैठनी अपनी बेटी को देती है, वो अपनी बेटी को देती है। तो इन मेनी मेनी हाउसेस नानी की दादी की पैठनी पोती तक आ जाती है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल ट्रेडिशन इन महाराष्ट्र। जब आपकी कोई जर्नी है मराठी मूवीज में, आपने बहुत ही लंबा सफर और बहुत सक्सेसफुल सफर कहा है सोन परी का, एंड उसके बाद अभी इस मूवी के बीच में आपने पूरी की पूरी एक पूरा अपने बेटी तक, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। जब आप सेट पे थे, जब ये शूट हो रहा था, कोई ऐसी बात जो हमेशा गोदावरी के करेक्टर के बीच में, जो कोई ऐसी बात जब आपकी यादगार हो बैक ऑफ द स्क्रीन, कोई ऐसी बात। जब मेरे पास ये स्क्रिप्ट आई तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड बिकॉज आई नो द डायरेक्टर गजेंद्र हिरे, आई हैव वर्कड विथ हिम बिफोर। मुझे पता था कि ही इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट मेनी थिंग्स। जैसे वो उनके शूटिंग करने का तरीका मुझे पता था, तो मुझे ये ज़रूर पता था कि अगर मैं पैठनी वीवर का कैरेक्टर पोर्ट्रेट कर रही हूँ तो वो ज़रूर मेरे हाथों के शॉट्स लेंगे। वो ज़रूर दिखाएंगे कि कितनी इंट्रिकसी से पैठनी बुनी जाती है। उसमें कई सारे धागे आते हैं, रेशम बहुत हाई क्वालिटी रेशम आता है, गोल्ड जरी होती है उसमें, सिल्वर जरी होती है, उसके धागे होते हैं और छोटे छोटे, इतनी जबरदस्त कलाकारी होती है कि वो मेरे हाथों के शॉट्स जरूर लेंगे, मुझे पता था। और इसलिए मैंने बोला कि मैं पहले 2 दिन शूटिंग के पहले मैं जाऊंगी। देर इज अ प्लेस कॉल्ड येवला नियर औरंगाबाद, और मैं लूम पे जाके आई विल ट्राई एंड लर्न हाउ टू वीव अ पैठनी। तो वो रियलिस्टिक वे से शूट कर पाएंगे एंड दैट रियली हेल्प मी बिकॉज एज आई एक्सपेक्टेड गजेंद्र ने बहुत सारे शॉट्स लिए ऑफ माई वीविंग पैठनी। क्या बात है, क्या बात है। किस इस के बीच में जो सा मेन करेक्टर है, माँ बेबी बेटी का पूरा एक ऐसा रिश्ता दिखाया गया है, कि ऐसा रिश्ता दिखाया गया है ईशा सिंह का, जो कावेरी का किरदार है, थोड़ा उसके बारे में आपका जिंगल मिंगल, थोड़ा कुछ ऐसी चीज बताए, कैसा कैसा हुआ, कैसा अप्रोच हुआ, और कौन सा बेस्ट मोमेंट था जो आपको, आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे। दिस इज स्टोरी ऑफ 3 जनरेशन। जैसा मैंने कहा कि दादी या नानी अपनी पैठनी अपनी बेटी को देती है और बेटी अपनी पैठनी अपनी बेटी को देती है। तो जी यहाँ हम हर घर में देखते हैं कि हमेशा माँ अपनी बेटी के लिए सपने देखती है, सपने बुनती है। लेकिन यहाँ पे एक बेटी अपनी माँ के लिए सपने देखते हैं। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल ट्विस्ट विच दिस स्टोरी हैज। गोदावरी इज अ वीवर जो बहुत सालों से ये काम करती आई है। शी इज माहिर इन दैट और लोग उनके हाथों की बुनी साड़ी पैठनी ये खरीदना चाहते हैं, उसके लिए वेट करते हैं। और अब गोदावरी को लगता है कि अब शायद ज्यादा दिन मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी बिकॉज आई एम गेटिंग ओल्ड एंड बट मेरी बेटी कुछ और करें और मेरे सपने वो पूरे करें। और गोदावरी का सपना ये होता है कि कभी पैठनी बुनने वालों को पैठनी पहनना नसीब नहीं होता। तो ये बात छुप जाती है बेटी को और वो डिसाइड करती है कि मैं अपनी माँ के लिए
बहुत महंगी पैठनी जो मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं कुछ भी करके वो खरीदूंगी और मेरी माँ को पहनाऊंगी, वही उनका सम्मान है। सो इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि माँ अपनी बेटी के लिए तो सपने देखते हैं, लेकिन बेटी अपनी माँ के लिए सपना देखे और वो पूरा करे, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। दैट्स वी कैन से वाओ, दैट इज द लाइक अ फैमिली मूवी, फैमिली सीरीज, हम वेट कर रहे हैं उसका। एक बार मैं फिर से Zee5 ग्लोबल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, कौन सी इतनी अच्छी ये सीरीज इतने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पे पूरी दुनिया के लिए लेके आ रहे हैं। तो कौन सा आपने कैसे बताया कि कौन सी ये इसके अंदर फैमिली कमिटमेंट, फैमिली मदर और डॉटर का जो प्यार दिखाया गया है साथ में, कैसे पूरी ये बात होती है गावरी जी की, एंड साथ के साथ पूरे की पूरे यूनिट के बीच में शूटिंग के टाइम पे कोई ऐसी बात जो आपको हमेशा याद हुई हो, शूटिंग के बैक ऑफ द सीन, बिहाइंड द सीन्स? जब हम ये सीन शूट कर रहे थे कि वो बेटी आती है और बोलती है कि माँ, ये तुमने बुनी हुई पैठनी मैं तुम्हीं को गिफ्ट करना चाहती हूँ, और एक फैशन शो में गोदावरी को लाया जाता है वही साड़ी पहना के और सबके आंखों में आंसू हैं, तो मेरा पूरा यूनिट इतना सीरियस हो गया था और वो भी सोचने लगा था कि हम अपनी माँ के लिए, माँ का कोई सपना ऐसा पूरा कर सकते हैं क्या। तो मेनी ऑफ द मेन दे वर टियरी आइड वाइल फिल्मिंग दिस सीन, एंड इट जेन्युइनली टच देयर हार्ट्स, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि लड़कियों को ये लगना तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है, लेकिन सारे मर्दों को ये लगना कि हम भी ये कर सकते हैं, जो हमारी माँ का सपना है हम भी पूरा कर सकते हैं, माँ को ऐसी पैठनी गिफ्ट कर सकते हैं और जो उनको बहुत बहुत पसंद आए। स्टिचिंग करने शुरू कर दिया क्या? तो सॉरी, उन्होंने बीच में मिस मिस बॉयज भी आएंगे बीच में मम्मा को गिफ्ट करके कुछ बना के देने के लिए। जी, और काफी सारे यूनिट मेंबर्स ने वहां से पैठनी ली अपनी माँ के लिए, खरीदी। वाओ, सो स्वीट, सो स्वीट। अगर अगर ये बोलते हैं कि किस तरीके से गोदावरी का जो करेक्टर है सो बहुत शक्तिशाली स्ट्रॉन्ग करेक्टर है, तो क्या जी, मैसेज देता है सबको? गोदावरी एक सीन में अपनी बेटी को बताती है कि नदी को देखो, ये नदी किनारे शूट किया है पूरा वेब शो हमने, तो वो कहती है कि नदी जैसे बहती रहती है और दुख दर्द अपने सीने में छुपाए हुए, लेकिन सबको हरा भरा करते हुए, किनारों को हरा भरा करते हुए वो हमेशा आगे चलती है, जो गंदगी होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है उनको दूर करती है लेकिन आगे चलती रहती है। हर औरत को वैसे ही चलता रहना चाहिए, दैट इज वॉट वुमनहुड इज ऑल अबाउट, एंड आई बिलीव दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज जो दुनिया की हर औरत करती है, उसके अंदर एक नदी छुपी हुई होती है जो ये हमेशा एनी प्रॉब्लम शी गोज थ्रू, एनी डिफिकल्टी शी फेसेस, वो हमेशा एक नदी की तरह बहती रहती है। सो आई लाइक दिस सीन द मोस्ट इन द फिल्म। आपने टेलीविजन और मूवीज में अभी आपने बहुत सारा काम किया, अभी Zee5 ग्लोबल के साथ OTT प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप इतना बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं, तो Zee5 ग्लोबल के साथ कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है Zee5 ग्लोबल के साथ काम करना, क्योंकि पैठनी ये देखो तो रीजनल सब्जेक्ट है, जैसे रीजनल साड़ी है महाराष्ट्र की साड़ी है, इंडिया का एक छोटा सा हिस्सा है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के हर घर में पैठनी होती है, एंड बिकॉज वी आर ऑन Zee5 ग्लोबल नाउ, दिस पैठनी एंड दिस शो इज गोइंग टू बी वर्ल्ड वाइड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड एवरीबडी इज गोइंग टू नो अबाउट पैठनी, एवरीबडी इज गोइंग टू वॉच दिस शो, एंड दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू टच एवरीबडीज हार्ट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। वाओ, एंड जाते जाते मैं Zee5 ग्लोबल का इंडसेज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से, मैं वरुण तिवारी, और हमें सुन रहे हैं बॉलीवुड बीट्स के ऊपर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और जाते जाते आप एक बार जरूर बताइएगा कि लोगों को क्यों ये देखना चाहिए। डेफिनेटली लेडीज सब देखने वाले हैं, बिकॉज ऑफ साड़ीज का काम पे नाम आ गया, तो वहां पे तो देखने वाले हैं, सारे इंतजार कर रहे हैं। सो जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो Zee5
ग्लोबल पे शो आया है नया, पैठणी नाम का। वो सिर्फ एक माँ बेटी की कहानी नहीं है, वो एक औरत की कहानी है जो एक नदी की तरह बहना जानती है। जो भी प्रॉब्लम्स उसके सामने आते हैं उनको दूर करके, दूर हटा के वो चलती रहती है। एंड दैट इज वॉट वुमनहुड इज ऑल अबाउट। एंड आई एम श्योर लोग इसीलिए ये शो जरूर देखेंगे। बहुत पिक्चरस्क शो है। औरतों को तो साड़ियाँ बहुत पसंद है। एक साड़ी कैसे बनती है और बुनकार की कहानी ये सब इसमें देखा जाएगा। एंड आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल टू Z5 ग्लोबल फॉर पुटिंग अप सच अ सब्जेक्ट ऑन ग्लोबल नेटवर्क। थैंक यू जी, हम यही चाहते हैं कि आपकी ये ब्यूटी और आपकी एक्टिंग आप ऑस्ट्रेलिया आके नेक्स्ट शूट करें। यहाँ पे आपको नदियां और समुंदर भी मिलेंगे, और प्लीज जी अगले यहाँ पे शूट आके करें। डेफिनेटली हम ऑस्ट्रेलिया आके वहां की कहानियां शूट करने का प्रयास करेंगे और ज्यादा कनेक्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इट्स अ प्लेजर टॉकिंग विद यू एंड इंडस्ट्रीज एंड फ्रेंड्स, लाइकवाइज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जाते या जाते क्या कहना चाहेंगे? इंडसेज फ्रेंड वर्ल्ड टीवी, इसमें स्टार टॉक्स नाम का एक जबरदस्त शो आता है जिसको वरुण तिवारी होस्ट करते हैं रेडियो बॉलीवुड पे। तो इनको सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप सबको प्रार्थना है कि आप Z5 ग्लोबल पे हमारा पैठणी ये शो जरूर देखिएगा और हमें बताइएगा कि और किस तरह का कंटेंट आप देखना पसंद करेंगे। हम आपके साथ इसको कंटिन्यू आगे भी बातें करते रहेंगे एंड इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। वेरी वेरी मच। थैंक यू। Australia's first Indian magazine to have a national reach. Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions, 55,000 copies printed monthly, 220,000 readers, largest network of clients, undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au.